नमस्कार दोस्तों, डिफरेंट टाइप ऑफ पावर सप्लाई प्लस इन्वर्टर बोर्ड। आज हम इसमें देखेंगे गोल्ड 95 ET V 3.0। यह इन्वर्टर बोर्ड काफ़ी अच्छा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे हम 40, 50, 55 इंच में काफ़ी अच्छे से लगा सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आता है, बैकलाइट भी प्रॉपर जलती है और लोडिंग नहीं होता है। बैकलाइट के लिए ज़रूरी है कि उसका वैट देख के लगाना पड़ता है। इसका जो वैट है 45 वैट का है और प्लस SMPA साथ में है, तो इसे क्या होता है, लोडिंग नहीं पड़ती। इसमें बैकलाइट के लिए करंट एडजस्टमेंट मिली एम्पियर भी दिया हुआ है, आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे शॉर्टिंग करना पड़ता है और आप मिली एम्पियर का करंट बढ़ा सकते हैं। क्लोजअप व्यू है और इसमें सॉकेट भी दिया हुआ है, इससे आप नेगेटिव पॉजिटिव दो सॉकेट दिए हुए हैं, बैकलाइट का एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। यह काफ़ी अच्छा इन्वर्टर बोर्ड है प्लस पावर सप्लाई के साथ में। इसमें लोडिंग नहीं होती और बैकलाइट प्रॉपर जलती है। अब हम इसे उल्टा कर लेंगे और बैक साइड का डिटेल देख लेंगे। इनपुट में 90 वोल्ट टू 260 वोल्ट AC है, आउटपुट में 35 वोल्ट टू 180 वोल्ट DC, आउट में 50 मिली एम्पियर, आउटपुट पावर 45 वाट। इसे हमने काफ़ी टीवी में लगाया, काफ़ी सक्सेसफुली चलता है 40, 50, 55 इंच में। इसे हमने 4K LED टीवी में भी लगाया, जिसमें बैकलाइट का प्रॉब्लम था, वह बैकलाइट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और उसकी बैकलाइट भी प्रॉपर जल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं 4K LED टीवी में यह बोर्ड लगाया है और यह प्रॉब्लम बैकलाइट को सॉल्व हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोटिवेशन एक लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।